स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। यू नो व्हाट आशीष, ना चाहे सवनी नहीं, ना जायज उसका वो कायर बाप है जो इस माँ बेटी को छोड़ के चला गया। लूसा, यू नो व्हाट नीला, थिंक यू आर राइट। आशीष, तुम नहीं जानते हो क्या उसे? जरा सोचो ना आशीष। आशीष लिसन टू मी, अवनी 10 साल की है। जब तुमने आयशा जी के साथ अपनी वो रोमांटिक फिल्म बनाई थी वो तकरीबन 11 साल पुरानी बात है। आशीष इट ऑल एड्स अप। अवनी 10 साल की है और तकरीबन 11 साल पहले आयशा जी ने अपना करियर छोड़ दिया। सोचो आशीष, इतनी बड़ी सक्सेस कौन छोड़ता है? वही ना जिसे प्यार हो गया हो। आशीष जस्ट थिंक हार्ड, कोई तो होगा ना आयशा जी के लाइफ में तब, जिससे वो मिलती थी, जिससे वो प्यार करती थी। आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। जस्ट थिंक हार्ड आशीष। आया कुछ याद? आई डोंट नो। यानी कि उस कायर ने आयशा जी के साथ अपना रिश्ता भी पूरी दुनिया के सामने छुपा कर रखा। सच लूसा। आशीष, मैं उस इंसान को ढूंढ के ही रहूंगी। प्रॉमिस यू दैट आई विल फाइंड हिम। तुम्हें याद है आशीष, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि मेरी लाइफ में अवनी का यू बार बार आना कोई कोइंसिडेंस नहीं, डेफिनेटली कोई कामिक कनेक्शन है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है। कुदरत चाहती है आशीष कि मैं अवनी को जस्टिस दिलाऊं, और मैं ऐसा ही करूंगी। अवनी के उस नाजायज बाप को मैं दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी। अवनी डिजर्व्स जस्टिस। आई विल गिव हर जस्टिस। मम्मा, ये देख ये फोटोज उस वक्त की हैं जब मैं कामयाब थी, सारी दुनिया मेरे कदमों पर थी। उस वक्त मैंने एक फैसला लिया और इस कामयाबी को ठुकराकर मैंने प्यार को अपना लिया। 11 साल पहले अगर मैंने वो फैसला ना लिया होता तो आज मैं कामयाब होती, और तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो नहीं होता। कोई तुझे नाजायज नहीं बुलाता। अब जो कुछ हुआ उसे बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं, तू बदलेगी। आज के बाद अपने आप को फेलियर मत समझना। तू डरी हुई अच्छी नहीं दिखती। तू स्पेशल है अवनी। तू बड़े कामों के लिए पैदा हुई। तुझे कामयाब होना होगा। इतना बड़ा नाम कमाना है ताकि फिर कभी किसी और अवनी को किसी दयावंती मेहता के सामने नाक न रगड़नी पड़े। मैंने सब सुन लिया। मम्मा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत छोटी हूं, कुछ नहीं कर सकती। इस दुनिया में बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं। कभी एक राजा इसको कुछ नहीं बनने देंगे। फैशन शो में सिलेक्ट करने के बाद भी निकाल दी।
प्लीज। नहीं मम्मा, मैं कभी कामयाब नहीं बन सकती, कभी कुछ नहीं कर सकती। हम अपनी जिंदगी चुपचाप बिना किसी को नजर आए जी लेंगे। हम जैसे हैं वैसी ठीक है। नहीं अवनी, तू ऐसा नहीं करेगी। तू मेरी तरह डर कर नहीं जिएगी। डर का सामना करेगी तू, मेहनत करेगी, रास्ता मुश्किल है पर तू उस रास्ते पर चलेगी। मैं तुझे कामयाब देखना चाहती हूं। तेरी कामयाबी मेरे माथे पर लगे कलंक को मिटाएगी। अगर तू कामयाब नहीं हुई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बस यही रास्ता है तेरे पास अवनी, यही रास्ता। पर मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस मैरी कहती है ना, डरना कमजोरी नहीं है, डर का सामना ना करना वो कमजोरी है। कहती है ना, मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती, सामना कर तू डर का अपनी, वादा कर अपनी, वादा कर कि तू कामयाब होगी, वादा कर कि अपनी मां का नाम ऊंचा करेगी, वादा कर अपनी। हाँ मम्मा, मैं मेहनत करूंगी, मैं डिफिकल्ट रास्ते पर चलूंगी, मैं अपनी मामा का नाम रोशन करूंगी, तेरी मामा के सर पर लगा हुआ कलंक मैं मिटाऊंगी मामा, मैं मिटाऊंगी। I promise you मामा, I promise। या अल्लाह, मेरी अपनी को हिम्मत देना, उसे कामयाब बना। चल चल दरवाजा बंद कर। अच्छा हुआ ना वो छिपकली नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। दादी ऐसा मत बोल, किया हमारे दोस्त है। उस छिपकली की बातों को छोड़, मेरी बात सुन, काम की बात। मेरे पास एक आइडिया है, हम ना अलादीन को बोलते हैं कि फिर से कोई प्रोजेक्ट लेके आए और तू उसमें पार्टिसिपेट कर लेना और जीत जाना। दादी जीरा क्या होगा, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी बात पे गौर किया जा सकता है, अलादीन से बात करनी चाहिए। पहले चल बाहर निकलते हैं। रसगुल्ले खरीदे। रसगुल्ले? हाँ, पर फिर मैंने सोचा कि अकेले खाने में तो कोई मजा है ही नहीं, मजा तो तब आएगा जब सब दोस्त लोग एक साथ मिलकर खाएंगे। सही सोचा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही सोचा। अब रसगुल्ले दो। मुझे गुलाब जामुन पसंद है।
अवनी, आपके मम्मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके आंटी प्लीज, मैं और मेरी मम्मा जैसे बहुत खुश हैं, हमें आपकी संपत्ति की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, फिर तो रसगुल्ले खाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आपको ये दोस्तों के साथ खाना है ना, लेकिन हम आपके दोस्त नहीं। हेलो एंजी, हेलो 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 दीदी, मैं एंजी बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, मुझे नई फैमिली मिली है और मैं उनके साथ उनके घर में रहूंगी। अब आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ एंजी, मैं आऊंगी ना तुमसे मिलने, तुमसे भी मिलूंगी और तुम्हारी नई फैमिली से भी मिलूंगी। So happy for you. Finally, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। Thank you, दीदी। अरे, मुझे क्यों thank you बोल रही हो? दीदी, आप happy हो ना? हाँ अंजी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत 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 खुश हूँ। दीदी, अगर आप यहाँ होते ना, हम दोनों साथ में बॉडी डांस करते थे। मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? हम अब भी बॉडी डांस कर सकते हैं, करें क्या? Really? थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखना ओके? मैं बहुत जल्दी मिलने आऊंगी तुमसे, तुम्हारी न्यू फैमिली से। ओके दीदी, गुड बाय, लव यू, बाय। अब इस एंजी वाली खुशी पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ हो जाए क्यों, अपनी क्या ख्याल है? बैठो बैठो, बैठ के खाते आओ, बैठो बैठो अली। अली तेरा क्या होगा अली? अवनी, सुनकर अच्छा लगा कि एंजी को एक नॉर्मल फैमिली मिल गई, वैसे ही जैसे मैं और मेरी मम्मा खुश है अपनी नॉर्मल फैमिली। आंटी आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। मुझे कोई डाउट नहीं है अपनी, मैं जानती हूँ कि तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कभी भी मेरी जरूरत हो, मुझे याद करना, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, फॉरएवर। ओके ओके, अब खाए रसगुल्ले? यस। अली, लेट्स रेज अ टोस्ट। ओके चलो, हिप हिप औरे! ये तूने क्या कर दिया गुड्डू? अवनी से उसका बचपन छीन रही है? ऐसा मत कर मुई बच्ची। देख, ख्वाबों और अरमानों का कोई वजन नहीं होता, पर जब उन्हें पूरा करने की शर्त रखी जाए ना, तो उनके बोझ तले जिंदगी दब जाती है। उसकी मासूमियत मत खत्म कर गुड्डू, मत खत्म कर। अम्मा, अवनी आम बच्चों जैसी नहीं है, मेरे फैसलों की वजह से जो नाजायज का मोहर उसके माथे पर लग गया है ना,
वो सिर्फ कामयाबी से मिट सकता है। अवनी को कामयाब होना होगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं। नहीं आयशा, ऐसा मत कर, मत दिखा अपनी बच्ची को हवाई महल। कामयाबी महज किस्मत की बात है। नहीं अम्मा, कामयाबी हिम्मत और मेहनत से मिलती है। हम गरीब अपनी औलाद को सिर्फ सपने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दे सकते हैं। मेरी अवनी नाम कमाएगी, समाज में अपनी जगह बनाएगी। अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे मेरी बच्ची। हाय, वाह वाह, क्या चुम्मा दिया इस खूबसूरत पेशानी पे। काश कि ये पेशानी होती और होंठ हमारे होते। हैं? देखो अलग बाद में दिखाइएगा, एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं? तो आप कुछ कह रही थी। अच्छा सुनिए, हैप्पी मदर्स डे। क्या कर रहे हो? हैप्पी मदर्स डे। आज चिपक रहा है खजूर। आज मदर्स डे नहीं है। क्या? लेकिन मेरे लिए तो हर दिन मदर्स डे होता है। साल के 365 दिनों में से माँ के लिए बस एक दिन, बड़ी नाइंसाफी है यार। ये ना वेस्टर्न कल्चर में समझ में नहीं आता नन्नू, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान कितनी बड़ी है। हमारी संस्कृति महान है और तू कमबख्त जादूगर है, बात को ऐसे घुमाता है कि जलेबी फेल हो जाए। आयशा, I'm really sorry, मैं कल आपकी मदद नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं हेल्प लेके आया ही था, तब तक हमारी अवनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी थी। हमारी अवनी? हाँ हमारी अवनी। अवनी किसी एक ही नहीं हो सकती है, वो जिससे मिलती है उसे अपना बना लेती है। अरे अरे अरे, अभी क्या करें? मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, छोड़ 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 छोड़। अरे मैंने 6 महीने लॉन्ड्री में काम किया, ऐसे थोड़ी ना। और वैसे भी इस हालत में आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। किस हालत में? कमबख्त एक्सरे काहे मोई बच्ची को ताड़ रहा है? हाँ नन्नो, ये अलादीन की आंखें हैं, इसे स्कैनर से कम नहीं है। हैं? 4 months। यार ऐसे मत देखो, मेटर्निटी होम में नर्स रह चुका हूँ 6 महीने तक, और मेरी मेडिकल एडवाइस ये कहती है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो चलिए आइए। अरे इतने काम में घर पे कैसे बैठ जाऊँ? काम हो जाएंगे, काम का क्या, आप आइए बैठिए। अरे कम ऑन कम 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 सुनेगा थोड़ी। लाइए क्या कर रहे हो तुम? अरे पैर दबाना चाहिए ऐसी हालत में। नहीं नहीं अम्मा। अरे करवा लेना खिदमत गुड्डो, बैठ आराम से। नहीं नहीं, ये चलिए आप खड़ी होगी, क्या देख रही हैं? तीन कप चाय बनाई। चलिए बस चाय नवाब साहब, तश्तरी में थोड़े स्नैक्स लाऊं। गुडनेस एंड आस्क आस्क है? अरे आई मीन नेकी और पूछ पूछ। एक काम कर, चाय के साथ मोई जूती खा, कमबख्त मोई ऑर्डर देगा। ऑर्डर? ऑर्डर तो गुलामों को दिया जाता है, अपनों से तो प्यार किया जाता है। बढ़ाया मक्खनबाज, पहली बार चाय बना रही, जैसी बनेगी पी लेना। हाँ आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं। अच्छा बस हो गया? अरे नहीं हुआ, रुकिए। अच्छा ये क्या है, ये स्वेलिंग आ गई है पैरों में, तेल है? अच्छा छोड़, ऐसे कर देता हूँ। यस। क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं तीव्र दबाव। तीव्र दबाव? जी यानी कि एक्यूप्रेशर। ऐसा है कि बनारस के ख्याति प्राप्त परम पूज्य श्री युद्ध गोविंद पांडे जी महाराज से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि तलवों पर उंगलियों से तीव्र दबाव डालने से शरीर की सारी पीड़ा का अंत हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। तुम हो कौन? मैं वही, दिमाग से संगीन, मिजाज से रंगीन, दिन हो रात, नाम है अलादीन। इससे ज्यादा अगर जानना है तो पहले ये बताइए, लड़का पसंद है क्या? इमारत निकलवा लूं, कार छपवा लूं,
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।